देखो भाई, अरे नहीं नहीं भाई, ओ सॉरी भाई, अब ये सॉरी, कितनी घंटे लगा रखी यार उसने। कमला, दोबारा आ चुका हूं मैं वापस तुम्हारे इस घर में। अगर तुम चाहती हो मैं अपनी तांत्रिक विद्याओं से तुम्हें नष्ट ना करूं, तो इस मासूम सी लड़की के ऊपर से अपना साया हटा लो, अन्यथा तुमको मैं अपनी तांत्रिक विद्याओं से भस्म कर दूंगा। कमला कहाँ हो तुम? ये बेडरूम है। तो हेलो, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का कमला द हॉरर गेम के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि हम लोगों का कमला से सामना हुआ था, लेकिन वो सामना इतना भयावह था कि मैं उस सामने को झेल नहीं पाया, और उसके बाद अब मैं तैयारी के साथ दोबारा से वापस आया हूं इस घर में। और आज मैं प्रण करके आया हूं कि कमला को इस दुरात्मा से मुक्त करूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। तो चलिए, फिलहाल ढूंढते हम कमला को। फिलहाल मैं यहां पे आंगन में आ चुका हूं और चीजों को इकट्ठा करना है मुझे। काफी चीजें मुझे पता चली हैं कमला के बारे में। इन दिनों मैंने कमला के बारे में काफी कुछ पता किया कि उसको क्या खाना पसंद है, क्या उसको नापसंद है, और वो क्या करती है क्या नहीं करती है, हर कुछ मैंने पता किया है, जिससे कि हम उसकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं, और ये चीज हमको मदद करेगी कमला का अंत करने में। फिलहाल मुझे ढूंढना है कुछ ऐसी चीजें जिस सामग्री को इकट्ठा करके हम कमला को मुक्त कर सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चारपाई है, एक टीवी है यहाँ पे, जो कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और ये टीवी बिल्कुल भी खराब है। ओ वेट, ये फोन क्यों बजा? किसका फोन हो सकता है इस वक्त? कौन है जो इस वक्त कमला को फोन लगा सकता है? फिलहाल मुझे एक भी सामान नहीं मिला अभी तक। यहां पे एक चारपाई है जहां पे लाइक मैं छुप सकता हूं, लेकिन मुझे अभी छुपना नहीं है, मुझे अभी सामान इकट्ठा करना है। ये घोड़ा है, यहां पे एक मूर्ति है, ये शायद है कमला की तस्वीर। पर ये दरवाजे बंद कौन कर रहा है? मैं दरवाजे खोलता जा रहा हूं, लेकिन कोई है जो दरवाजे बंद कर रहा है। दरवाजे स्वयं से बंद नहीं हो रहे हैं, कोई है जो इन्हें बंद कर रहा है। यह गणपति जी की मूर्ति है जो हमने पिछली बार भी देखी थी। झूमर काफी ज्यादा आवाज कर रहा है फिलहाल। अभी शंख है, शंख अपने काम नहीं आने वाला है। यह एक लैंप है जो कि चलती नहीं। अगर लैंप थोड़ा बहुत हमको मिल जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। उससे होता यह कि जो अंधेरा है वहां पे हम कुछ काम कर सकते। ये वो है गाइज जिसपे हम गेहूं पीसते थे अक्सर गांव वगैरह में, ये वो चीज है, इसको चक्की बोलते हैं। ओके, मुझे लगा इसके अंदर कुछ बढ़िया सामान मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम मुझे बचाएंगे। यही तीन बार लिखा हुआ है उसने, कोई तो है। ओ, यहां पे मुझे एक पूजा की थाली मिली है। नहीं नहीं, ये कैसी आवाज थी? पूजा की थाली मुझे मिली है, मुझे उसके घुंघरू की आवाज आई है। नहीं, ओ माय गॉड, भागो भाई, घंटी कैसे बजी है? घंटी कैसे बजी है ये? मैंने नहीं बजाई घंटी। मैंने घंटी नहीं बजाई, ये घंटी ऑटोमेटिक बजी है दोस्तों। मैंने नहीं बजाई घंटी, मैंने अंधेरे में शायद देखा नहीं, वहां पे कुछ घंटी टंगी हुई है, मे बी, जो भी, आई डोंट नो। नहीं आऊंगा, मुझे मजबूर मत कर कमला, मैं नहीं चाहता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम पे करना। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो फिर मत बोलना ये बात मुझसे कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया।
भाई अच्छी चीज तो ये कि मुझे वहां छिपने के लिए वो रास्ता मिल गया, अदरवाइज मेरी मृत्यु ऑलमोस्ट मेरे करीब थी। यहाँ पे आवश्यकता है एक चाबी की। अरे भाई नहीं भाई, ओह सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। ओह माय गॉड, कितनी घंटे लगा रखी यार उसने। अबे कितनी घंटे टांग रखी यार उसने। भाई इसने कितनी घंटियां टांग रखी है, ये पागल है क्या? एक मिनट, ये क्या है? ये बड़ी सी तलवार है। ये घंटी मुझे क्यों नहीं दिख रही है? यह घंटी है भाई, ऐसी जगह पे इसने घंटियां टांग रखी है कि तुम पता नहीं लगा सकते कि घंटी कहां पे है। मैं अभी आंगन ढूंढ रहा हूं ताकि मैं पूजा की थाली वहां पे रख सकूं जाके। कहां पे होगा आंगन? अब मुझे घंटी पे ज्यादा ध्यान रखना है, घंटी नहीं बजनी चाहिए वरना हमारा घंटा बज जाएगा। ओ ओ ये आ रही है, सामने आ रही है भाई। तुमने सुनी उसकी आवाज पायल की? ये उड़के आ जाती है क्या, प्रकट हो जाती है क्या, करती क्या है ये? यहां पे घंटी नहीं है ना, यहां पे कुछ नहीं है, एकदम बच बचा के चलना है अपने को। इसके अंदर कुछ है क्या? ओ नहीं नहीं, छुप जा छुप जा छुप जा, आराम छुप जा, मुझे पता है मेरे आसपास है वो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये खुलता है क्या? इसके लिए मुझे लॉक चाहिए। नहीं मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है। ये क्या है? मैं उससे छुप सकता हूं लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, वह अविरल है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे बच सकता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं जीवित रह सकता हूं या नहीं। हे भगवान हनुमान, कृपया मुझे और मेरे पुत्रों को बचा लो। मुझे भी शायद भगवान से ही सहायता लेनी पड़ेगी, अन्यथा मेरी मृत्यु भी निश्चित है। यही घूम रही है क्या? ओए यही घूम रही है क्या? ये मुझे देखे ना बस, मुझे यहां जाना है क्या? यही है। भाई कैसे बोल रही है, मुझे बचा लो। फिलहाल तो मुझे बचाए प्रभु इस दुरात्मा से। अबे रास्ता क्लियर करना, मुझे आगे जाना है। आंगन कहाँ है? मैं फिलहाल आंगन की खोज में हूं। ये मुख्य दरवाजा है, ये नहीं है वो। हमें आंगन की तरफ जाना है जहां पे पूजा की सामग्री वगैरह हम रख सके। मुझे एक बार रास्तों को सही से ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। देखो ये एक रास्ता है। ओ बोले सामने, मैंने देखा, तुम लोगों ने देखा क्या? घंटी है यहां पे, आराम से। ये एक रास्ता है और ये है पूजा घर, शायद यहां हम बस सकते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन एक मिनट, मेरे हाथ में ये पूजा की थाली, ये तो यहां नहीं रखनी है, निश्चित है ये। हां ये रहा ना, और यहां मैं छुप सकता हूं, यहां पे रखना है ये मुझे। ओ भाग 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 भाग, बस सुन जाओ। पूजा की थाली में रखती है दोस्तों,
अब इसको शांत होने देते हैं। भाई पसीने छूट गए मेरे लिटरली। वो सामने से निकली है, तुमने देखा, सामने से गुजरी है। जाने दो उसे। यहां पे एक ताला है, वो यही घूम रही है। छुप जाओ आराम से। ये दूर जाएगी या नहीं जाएगी? अब शायद गई है दूर। ओम नमः शिवाय। यहां पे एक पत्र है। आज मुकेश जी ने हमें उपहार में दिया हुआ कढ़ाई का काम देख रहा था। उनकी ओर से हर दिवाली पर हमें इतनी सुंदर सजावटें मिलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है कि यह आकार का पैटर्न रुख बदल गया है। लेकिन जब मैं दादाजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी नींद को सही करनी चाहिए। कुछ तो है भाई लफड़ा। चाबी मिली है मुझे, एक चाबी मिली है मुझे। क्या ये वो बेडरूम की है जिसकी मुझे आवश्यकता थी? चलते हैं इस तरफ खोज में, हो सकता है यहां पे खिड़की है। छोड़ दे मुझे प्लीज, प्लीज छोड़ दे कमला, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। नहीं यार, यार आज गलत है ये, अचानक से ये हमला करना गलत है। त्र्यंबकम बहुत गलत है ये। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कहाँ जाना है मुझे? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षिया मामृतात। भाई यार इसकी स्टैमिना बहुत कम है। भाग भाग भाग, के अंदर छुट जा। कब तक भागेगा? जब तक तो तुझे मुक्त नहीं कर देता चुड़ैल, दूर रह मेरे से। प्रभु रक्षा करे, प्रभु मेरी सहायता करे। और यार सामने नहीं शर्मा रहा हूं, तू क्यों यहां पे घूम रही है? कहीं और जाके मुंह मरा। प्लीज बख्श दे मुझे, जाने दे यार, प्लीज मत कर ऐसे। यार मैं निकल रहा हूं यहां से। कैसे पूछ रही है, शर्मा रहे हो क्या? तुझमें शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? तू भी शर्मा ले थोड़ा सा। घंटा है यहां पे, ध्यान से। ये पेटी मैं खोल चुका हूं, इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये वाला रूम हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है अभी। यहां मैं छुप सकता हूं और दूसरा रूम में यहां जा सकता हूं, बट यहीं गई थी ना वो। उरी सामने ही है, सामने ही है। भाग भाग तांत्रिक भाग। यहां पर कोई दरवाजा नहीं है क्या? यार मैं रास्ता भटक गया हूं। एक तो नहीं, यहां पे थी वो। अगर मैं यहां पे बजाऊं तो आ जाएगी।
और मैं यहाँ जा सकता हूँ। कैसे होगा ये गेम मुझसे? मुझे ये लग रहा है आप लोग के साथ खेलना पड़ेगा। सुगंधिम पुष्टि वर्धनाम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षिया मामृतात। यहाँ पे एक सिलाई मशीन है, मैं इसको अकेले नहीं खेल पाऊंगा दोस्तों, मुझे लग रहा है इसको लाइव करना पड़ेगा। इसमें आप लोग मेरी मदद करोगे और हम मिलके इस गेम को पार करेंगे। ये बहुत कठिन है दोस्तों, बहुत ज्यादा कठिन। और एक तो मेरे पास सिर्फ 3 ही जिंदगियां हैं, ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। थाली मैंने रख दी है, मुझे अभी कपूर चाहिए, गंगाजल चाहिए, काफी चीजें चाहिए यार। और मेरे पास सिर्फ 1 जिंदगी है, अंतिम जिंदगी। ओ भाई देख लिया उसने, देख लिया मुझे। चुप जाओ आराम से। ओ नहीं, चुप चाप। ओ ये बढ़िया है। ओ शक्ल देखो यार उसकी भाई, ये मौत को छूके टक से वापस आया हूं मैं लिटरली। भाई कहां है सामान यार, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। इतनी देर से ढूंढ रहा हूं मैं, मुझे एक भी एक्स्ट्रा सामान नहीं मिला है जब से। ओ यहां पे हाथी है, ओ खुला खुला कपूर मिला मुझे, कपूर मिला। ओ नहीं नहीं कपूर सॉरी। भाई साहब मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सका। मृत्यु क्या है? मृत्यु कमला के हाथों मर जाना है मृत्यु। तो दोस्तों इस एपिसोड को करता हूं मैं यहीं पर एंड। नहीं होगा मुझसे ये गेम, मैं लाइव खेलूंगा इस गेम को और साथ मिलके करेंगे इस गेम को, देखा जाएगा। बाकी मिलते हैं गाइस आपसे अब सीधा नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में कमला की। तब तो ख्याल रखें अपना, गुड बाय। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कमला की आत्मा आपको चैन से नहीं बैठने देगी, ये आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम में, गुड बाय।